नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ ने लाहौर को मंशियात से पाक करने के लिए 6 माह कबल ड्रग फ्री सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था। CCPO असलम तरीन मंसूबे के चेयरमैन जबकि महकमा पुलिस, एक्साइज, ANF, जिले इंतजामिया और PHA समेत दीगर मुतलका अदारों के अफसरान प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं। CCPO का कहना है कि शहर को मंशियात से पाक करने के लिए तमाम महकमे मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए ना, जहाँ तक ड्रग फ्री जो को एक फ्री लाहौर का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये हम जॉइंट ऑपरेशंस हैं। ये NF के एंटी नारकोटिक्स फोर्स, पुलिस प्लस बाकी डिपार्टमेंट्स, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ड्रग की सप्लाई और उसकी फरोख्त, ये दो चीज़ें हैं। सप्लाई में भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ से आ रही है, और इसी तरह फिर उसके बाद उसके जो सेल पॉइंट है वो पुलिस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ANF की है, और फिर उसके बाद जितने भी ड्रग यूज़र्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है ना, जो जो इकदामात करने चाहिए उसका भी पूरा एक पैकेज है। सो ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलनी चाहिए, जितने यूज़र कम होंगे उतनी ज़्यादा जो है डिमांड कम होगी। हुकूमत के तमाम तर इकदामात के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल आम है। मैकलोर रोड चौक में दोपहर के वक्त सरेआम नशावर इंजेक्शन लगाने के साथ साथ अली पार्क टिब्बी सिटी में सड़क के किनारे पर भी नशा करने वालों का कब्जा होता है। दिन की रोशनी में यहाँ पर कोई नशावर इंजेक्शन लगाता है तो कोई चर्स गांजा का इस्तेमाल कर रहा होता है। इससे थोड़े ही फासले पर पीर मकी दरबार के सामने वाकिया ट्यूबल वाले पार्क में नशाबाजों के झुंड बैठे होते हैं। कोई इंजेक्शन लगा रहा है तो कोई नाक से हीरोइन सूंघ रहा है। इस पार्क में कमसन बच्चे भी खेल कूद में मसरूफ होते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हम इन बच्चों को बड़े होने पर मंशियात से दूर रख सकेंगे, जो सारा दिन पार्क में बैठे अफराद को सरेआम नशा करते देखते हैं, जिन्हें सप्लाई भी यही मिल जाती है। इस हवाले से CCPO असलम तरीन का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने और नशा करने वालों को पकड़ कर इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाने के लिए अफसरान की ड्यूटी लगा दी गयी है। जो कि ऑलरेडी नोन जो है ना ड्रग डेंस हैं, उसके लिए तो रेड्स वगैरह हो चुके हैं और उसमें वो हो भी रही है और उसकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और उसमें SHO और SDPO को और मुतलका कंसर्न डिविजनल SP को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि कहीं भी इस किस्म के नोन अगर कहीं चलते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो गली मोहल्लों में लोग मोबाइल होके करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वो है कि हमें फर्दर जो है उस पर काम करना पड़ेगा। शहर में सरेआम मंशियात के इस्तेमाल ने एक नस्ल को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि हुकूमत आने वाली नस्ल को किस तरह नशे से पाक माहौल फराहम करती है। कैमरामैन आतफ यासीन के साथ असद साई, सिटी 42।